टॉक विद तला शाह। आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, मेरा नाम तला शाह है। आज मैं अपनी न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैडम, मैं अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। मैडम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि GPA जो कि हमारी में समझा जाता है कि करियर हिस्ट्री का यही सब कुछ है, तो मैम क्या GPA का गिर जाना हमें कामयाबी से दूर ले जाता है? कि क्या हम अगर GPA कम लेंगे तो हम ये है कि हम कामयाब नहीं होंगे? क्या मैम ये GPA की इतनी ही इम्पोर्टेंस है कि हम लोग रट्टे लगा लगा के अपने एजुकेशनल करियर में आगे जाते हैं वजह इसके कि हम उसकी वो उन चीज़ों को समझने के हम रट्टे लगा लगा के हम वो चीज़ें कंसेप्ट को समझे बगैर हम चीज़ सॉल्व करते हैं, तो मैम इसका इम्पोर्टेंस का क्या वाकई असर होता है? स्टूडेंट्स के लिए हमेशा GPA बड़ा इम्पोर्टेंट रहा है, CGPA बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है, और हर स्टूडेंट की कोशिश होती है कि उसका GPA CGPA एंड में बस बाकमाल होना चाहिए। ठीक है, मैं एग्री करती हूँ, मेरा अपना GPA बहुत अच्छा था और मैं हमेशा से बहुत अच्छी आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट के तौर पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी गुजारी है। लेकिन हकीकत ये है कि एक बात याद रखें बच्चों कि GPA शुड बी नॉर्मल। ओके, इफ इट इज़ गोइंग टू बी टू लो डेफिनेटली दैट विल बी हार्मफुल। आप आगे जाके इंटरव्यू में जब जाएंगे तो उसमें आपको अगर GPA की बेस पे असेस किया जाएगा तो टू लो GPA डेफिनेटली विल बी डेंजरस। बट अगेन लेट्स गो एंड सी द अदर साइड ऑफ द पिक्चर। इफ द GPA इज टू हाई अगेन यू विल बी इन अ ग्रेट प्रॉब्लम ट्रबल, क्योंकि इफ यू आर गोइंग टू हैव 4 GPA या नियर टू 4 GPA तो बिलीव मी इंटरव्यू में दे आर गोइंग टू जज यू ऑन द बेस ऑफ दैट हाई GPA। आपका इंटरव्यू उतना ही डिफिकल्ट होगा जितना हाई आपका GPA होगा। तो आपके लिए बहुत हाई GPA को मार्केट में जाके बेटा जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, आप बैलेंस नहीं रख सकते। लिहाजा कोशिश करें, जैसे कि हमारा टोटल GPA जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में होता है वो 4 होता है, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि 3 से नीचे नहीं जाना चाहिए, 3 या 3 से अबव कोई भी GPA इट्स अ नॉर्मल हेल्दी एंड अ सक्सेसफुल GPA। बस ये बात जहन में। तो आई थिंक जो लोग लेस GPA या जिनको कोई इशू था GPA से रिलेटेड, आई थिंक दे गॉट देयर आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस आंसर का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, कीप सपोर्टिंग मी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।